दूसरे दिन की नई शुरुआत हो चुकी है। गुड मॉर्निंग बोल दे रिद्धि। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक हूँ। भुल्ली कैसी है? ठीक है। और भुला? भुला भी ठीक है। ठीक है, रोटी खा ली? तो भाई हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा कुमार और मेरे गांव का नाम है बरसारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ब्लॉग की शुरुआत खेत से हो रही है, सुबह का नाश्ता पानी करके हो रही है। कल भी मैं यहीं आ रखी थी तो आज भी यहीं आ रखी हूँ। आज मेरा सेम काम है। वैसे सासू जी बोले थे कि सार में चली जा करके जो खाली खेत है, तो मैंने सोचा यहाँ पे दो तीन काम एक साथ हो रहे, एक तो घास हो रहा है, दूसरा खेत खाली हो रहा है, और तीसरा जो कोदे के कोई कोई बालियाँ छूट रखी हैं वो भी काटी जा रही है। तो तीन काम एक साथ हो रहा है, और चौथा जो मेरी ब्लॉगिंग चल रही है रोज़ की ड्यूटी। ठीक है, तो अभी यहाँ से ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं। फिलहाल मैं सुबह का मौसम बताती हूँ और उसी के साथ ना ब्लॉगिंग शुरुआत भी करते हैं। सुबह का मौसम कुछ इस तरीके का हो रहा है। यहाँ से अभी धूप कम ही आई है, कल मैं थोड़ा लेट आई थी, आज थोड़ा जल्दी आ गई हूँ। बाकी यहाँ पे शहतूत के पेड़ हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, जो हरे भरे हो रहे हैं, और पीछे सफ़ेद बादल छाए हुए हैं। और फटाफट से यहाँ से काम ख़त्म करते हैं। इसको कोदेठा बोलते हैं हमारी गढ़वाली भाषा में, जो कि मंडुए का पीछे का हिस्सा होता है। ठीक है, बाकी आज वहाँ से है और वहाँ तक करना है मैंने साफ है, तो पूरा खेत लेकिन वहाँ तक कर ही दूँगी लगभग। ठीक है, तो फटाफट से काम स्टार्ट करते हैं। चले जी, 10 बज चुके हैं। वेदू को नहलाने के लिए घर से फ़ोन आ रहा है कि वेदू को नहलाने के लिए तू ही आ जा करके। तो मैं घर चलती हूँ अब। घास की भारी निकाल के मैंने रखी हुई है, साथ ही साथ थोड़ा सा मंडवा हुआ था उसको लेकर मैं घर जा रही हूँ। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो भाई दोस्तों, घर आते ही सासू जी ने पानी गर्म करके रखा हुआ था, चाय पी हमने, उसके बाद ना मैंने वेदू को नहलाया, छत पे धूप सिकाई थोड़ा बहुत, उसको तेल मालिश करी। अभी यहाँ पे रिद्धि आ रखी है। हेलो रिद्धि, हेलो बोल दो। हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ। आज नहाई तो है, भुल्ली भी नहाई, अब भुल्ला भी नहाया है ना। तो आप क्या पिएगी रिद्धि? दूध और रोटी। हाँ, तो रिद्धि के लिए मैंने थोड़ा सा दूध गर्म करा है, क्योंकि रिद्धि ना ज्यादा चाय नहीं पीनी है। ठीक है, फिर ताई की तरह काली हो जाएगी। चलो अब रोटी खिलाते हैं रिद्धि को। कल 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 मेकअप कर करोगी? मैं तो करूंगी भाई। क्या मेकअप? मेकअप? हाँ, शादी में। किसकी शादी है? बुआ की है ना। सगाई है बुआ की? तो वही तो बोल रही मैं, सगाई में। हाँ। मैंने कब करना मेकअप? तो भुल्ला भी तो है। हाँ हाँ, बैठ जाओ ना नीचे। हैं, मैंने कब करना मेकअप? बैठ जाओ। अरे अरे देखो। हाँ, जल्दी करना, तैयार होना, तो फिर आ जाना। कहाँ पे? तो तैयार होने में टाइम तो लगेगा ना। टाइम लगेगा, दुल्हन तो बहुत लेट में आएगी। कौन? दुल्हन। हाँ आ जाना ना। कहाँ पे? तब देखो, पहले दूल्हा आएगा, फिर दूल्हा सबसे लास्ट में आएगी, तब 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 दूल्हा बैठी बैठी रहेगा ना। तो अरे मैं जब तक तैयार होंगी और वेदू रोएगा तो दादी दादा डांटेंगे नहीं मेरे को कि मेकअप कर रही है और बच्चा रो रहा है? बोलेंगे ना, तू ही बता, बोलेंगे ना ऐसा? बोलेंगे तो मैं आऊंगी, उसका ध्यान रखूंगी, फिर मेकअप करना। अच्छा, वेदू का ध्यान तू रखेगी? हाँ, जिस टाइम मैं मेकअप करूंगी उस टाइम। हाँ, तब उस दिन आपका हो जाएगा, तो वेदू और आप साथ में चलेंगे ना। अच्छा अच्छा वेदू और आप और मैं चलेंगे ना साथ में तब। अच्छा अच्छा तो रिद्धि ने देखो भाई पायल पहन रखी है। रिद्धि बहुत ही प्यारी पायल है, प्यारे प्यारे लग रहे। कौन लाया? बुआ। बुआ लाई ना? तो बर्थडे गिफ्ट मिला तेरे को है? ये जुल्फी किसने काटी तेरी? जुल्फी? हाँ, जुल्फी नहीं है, कोई बाल ही है। अच्छा, मुझे लगा जुल्फी है। तो जुल्फी क्या होता वैसे? जुल्फी जुल्फी मतलब जुल्फी जब आगे काटते हैं वो होती है जुल्फी। अच्छा, तो आपका दूध ठंडा हो गया, दूध दूं आपको?
ठीक है, मिले है क्या? वे था क्या मिले है? क्या अच्छा, तोरी। तो मलाई बोलो ना, तोरी क्यों बोल रहे? मिले मिले क्यों कर रहे? मिले थोड़ी होता वो। मिलाई, मैं मिलाई तो बोल रही, अरे मलाई, स्वीट तो बोलू मैं। अरे तू बोली मिले मिले, मन बोल क्या मिले? तो ये भाई मलाई के लिए बोली है कि तूने मलाई तो नहीं डाली, तो इसने बोला कि मिले तो नहीं डाली। बोल तूने, अब मैंने कहा क्या मिला के नहीं डाला भाई, मैंने चीनी तो वहां डाले, वो तो अब मिलाऊंगे। अरे क्या नहीं मिला है मैंने, ले फटाफट से। अच्छा अभी मिक्स भी करना है। यार हम जो चम्मच है नी, चम्मच बेच यार के लियो था ना, ऐसे डोबो दूध में, डोबो ऐसे डोबो, खाओ। यस यंग बॉय, बॉय नहीं कर कर लीजिए सुर बनो। हेलो दोस्तों, अभी हो रहा है दिन का टाइम, अभी हो रहा है दिन का टाइम। हाँ। मेरा नाम है रिद्धि पवार। मेरा नाम है रिद्धि पवार। अभी का यहाँ पर क्या भात दाल बना रहे हैं? अरे मैं दिख ही नहीं रही हूँ, ऐसे मत करो ऐसे। हाँ अभी देखो क्या धूप हो रखी, देखो आपको सामने नजारा दिख रहा होगा, पर देखो सामने नजारा है ना, यहाँ पर किसी में वो क्यों रखे हैं देखो। हाँ तो भाई दोस्तों, सारा काम खत्म होने के बाद अभी दाल और चावल चढ़ा दिए हैं, साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी चाय बना दी है, और सासू जी भी आ चुके हैं यहाँ पर। हेलो बोल दो थोड़ा, हेलो, मैंने कहा हेलो बोल दो थोड़ा। रोटी खा रहे अभी हम दोनों, रोटी और चाय, ये हो रहा सुबह का नाश्ता। तो हल्का फुल्का ही करा था, बाकी बाहर जो झंगोरा डाला था वो भी अब ना थोड़ा बहुत हल्के फुल्के धूप आ गई है, हल्की क्या आने, पूरी धूप आ चुकी है। बाकी अब ये जाएंगे, अभी ये नातन को देखने जाएंगे उधर जहां मैं गई हुई थी कल, है ना? हाँ तो बोलो कम से कम। बस ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनकी, और कोई बात नहीं छोड़ो इनको। तो रोटी खाते हैं थोड़ा थोड़ा, तब मिलते हैं थोड़ी देर में, ये दूध उठने वाला होगा अब। तो इतना ज्यादा काम हो रहा था मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बाकी अभी मैं यहाँ पे ना पोछा वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा जो किचन के नीचे वाला गैस का नीचे वाला हिस्सा होता है काफी ज्यादा गंदा हो गया था, तो टाइम नहीं होता है इन चीजों को, बारीक चीजों पे ध्यान देने का। तो यहाँ से अभी पोछा वगैरह करते हैं थोड़ा बहुत, वो सो गया है आराम से। रिद्धि आई थी अभी वेदों को देखने के लिए, इसको पकड़ो, मैं कपड़े चेंज करके आती। तो भाई दोस्तों, सफाई वगैरह हो चुकी है, उसके बाद हो रहे थे वेदु के कपड़े धोने के लिए जो मैंने धो दिए हैं, और यहाँ पे ना मैं सुखाने आया हूँ। फिलहाल मैं आपको सुबह का मौसम बता देती हूँ, उसके बाद होगी वीडियो के आगे की जो भी तैयारी होती है, ठीक है? सुबह का मौसम कुछ इस तरीके का, अच्छी सी धूप आई हुई है, 11 बज चुके हैं, और अभी मैंने खाना भी नहीं बनाया है। फिलहाल मैं कपड़े सुखाने डाल देती हूँ, उसी के बाद होगी आगे की जो भी होती है, ठीक है? बाकी नीचे साइड सासू से भी लगे हुए हैं, उनका भी काम धाम चल रहा है, और आज हमने थोड़ा थोड़ा रह गया, अब इतने ही इकट्ठे रह गए सुखाने के लिए जो सुखाने हैं हमने, बाकी तो सूख ही चुके हैं। तो चलिए जी, वेदू के कपड़े भी सुखाने डाल दिए हैं, जब तक खाना बनता है तब तक कपड़े सूख जाएंगे। फिलहाल खाना बनाने के लिए चलते हैं। तो चलिए जी, खाना खाने के बाद और तब नहाई मैं, अपने लिए पानी रखा गर्म करने के लिए, और यहाँ पे देखिए भाई हमारे न्यू ब्लॉगर को यो, देखो हाथ पकड़ रखा मेरा। तो भाई खाना खाने के बाद मैं सीधे यहीं पे आई, और नहा धो के अभी कपड़े वगैरह धो के, बर्तन धो के, और यहाँ पे अपनी श्वानी के साथ, अपनी श्वानी के साथ श्वानी
जानी। वही दोस्तों, शाम के 4 बजे का टाइम हो रहा है। मैं जा रखी हूँ फुकान सिंह को बाहर निकालने के लिए। आजकल सेल्फ स्टैंड नहीं लाती हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ रोज़ रोज़ अच्छी भी नहीं लगती है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही दिखाती हूँ। बाकी मैंने यहाँ पे खूब सारा धुआं लगा दिया है और धूप भी थोड़ी सी रहती है। बाकी अब यहाँ पे फुकान सिंह को पानी दे रखा है मैंने, गोबर निकालने के लिए है, वो निकालेंगे और तब चलेंगे घर की तरफ, क्योंकि वे दो उठा हुआ है और दादी ना जो झंगोरा होता है उसको साफ कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे।